जय माता दी। दोस्तों, डबल हेडर्स का डे है आज। कई दिनों बाद फिर से दो मैच हैं। पहला मैच है लखनऊ में इन नीदरलैंड और श्रीलंका का, और दूसरा मैच है मुंबई में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। दोनों मैचेस कैसे हो सकते हैं, पिच क्या खेलेगी? लखनऊ में हम दो मैचेस देख चुके हैं, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में पहला मैच है, पिच कैसा खेलेगी? हालांकि वानखेड़े का आइडिया हम सबको है, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि कैसा मैच हो सकता है और प्लेइंग इलेवेंस में क्या बदलाव हो सकते हैं। बाय द वे, दोनों मैचेज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। वन बाय वन शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे डे वाले मैच की, मतलब जो सुबह मैच शुरू होगा 10:30 बजे लखनऊ में। मैच किसके बीच है? मैच है नेदरलैंड और श्रीलंका के बीच। डे नाइट मैचेज में लो स्कोरिंग मैचेज रहे हैं, विकेट पेसर को मिले, विकेट स्पिनर्स को मिले, लेकिन डे गेम है तो लग रहा है कि पेसर्स को मदद थोड़ी कम रहेगी, ड्राई विकेट रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हालांकि सर्दी बढ़ गई है शुरू के, हो सकता है आपको 2-4 ओवर स्विंग देखने को मिले, लेकिन बस उतनी, उससे ज्यादा नहीं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि स्पिनर्स थोड़ा सा हावी रहने की संभावना है, लेकिन नेदरलैंड और श्रीलंका की जिस तरीके की टीमें हैं, बहुत बड़े रैंक टर्नर्स इनके पास नहीं है दोनों टीमों में, ऐसे में क्या हो सकता है कि एक ओवरऑल अच्छा गेम होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। 230-235 तक हो सकता है टीम बैटिंग फर्स्ट, हालांकि पिछली बार तो 215 बने थे, हो सकता है 250 तक भी पहुंच जाए अगर ठीक ठाक पार्टनरशिप लगे। 300 का ग्राउंड, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लग रहा है। श्रीलंका की बात करें तो कप्तान दसुनसान का जा चुके हैं, उसके अलावा टीम में कोई बदलाव होगा, मुझे इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। आई रियली थिंक कि ऐसा होगा, कोई चेंज होगा मुझे नहीं लगता, अंटिल की मथीसा पथिराना को फिर से ले आए ये लाहिरु कुमारा की जगह या चमिका करुणारत्ने की जगह। दूसरी तरफ बात करें अगर नेदरलैंड की, तो वो तो बिल्कुल बदलाव नहीं करेंगे, उनका प्लेइंग इलेवन बिल्कुल सेट है और उस सेट प्लेइंग इलेवन से छेड़ेंगे नहीं। साउथ अफ्रीका को अभी हराया है तो कॉन्फिडेंस ऑन हाई है और उसी हाई टीम के साथ वो खेलने वाले, कोई बदलाव नहीं होगा, वही कॉम्बिनेशन है, वही सारा कुछ है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर तरफ अगर आप जाओगे तो कुशल मेंडिस, दिलशान मलसांका और उनके साथ सदीरा समरा विक्रमा। नेदरलैंड में अगर आप आओगे तो बास दिलीद, कॉलिन अकरमन और लोवान वान वीक। मेरे हिसाब से ये 6 प्लेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस मैच में, जो अच्छा गेम कवर में मुझे दे रहे हैं, जिनकी फॉर्म बढ़िया है, जो क्रूशियल हो सकते हैं। फैंटेसी की तरफ चलें तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फैंटेसी विजन 11 पे खेलना है, ठीक है? और मैं एक ही बार बता रहा हूं, दूसरी मैच के साथ प्रीव्यू करूंगा इसी वीडियो में तो नहीं बताऊंगा। विजन 11 पर खेलें, 7-4 या 10-1 दोनों से खेल सकते हैं, जैसे आप चाहें। डिपॉजिट ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, उसके अलावा 28% GST आपको नहीं देनी पड़ रही है, ये अच्छी बात है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कबड्डी आने वाला है, 2 दिसंबर से अनाउंस हो गया है कबड्डी का क्या शेड्यूल, तो वो भी हम विजन 11 पे कवर करेंगे। तो अभी से जुड़ जाइएगा, खेलिएगा और आराम से जीतेगा, ठीक? चलते हैं फैंटेसी की तरफ। स्मॉल लीग टीम, स्मॉल लीग टीम में अगर आप देखेंगे, विकेट कीपर्स आपके पास स्कॉट एडवर्ड है, आपके पास कुशल मेंडिस हैं, आपके पास कुशल परेरा हैं, आपको बेसिकली लेना किसको है? तो अभी स्कॉट एडवर्ड ने बहुत अच्छी पारी एक खेली, आपने देखा पिछले मैच में। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे कुशल मेंडिस की, तो वो तो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अब टीम कॉम्बिनेशन जिस तरीके का मुझे डिजाइन करना है, उसके हिसाब से मेरे लिए ये सोचना जरूरी है कि एक विकेट कीपर चुनूं मैं एक्स्ट्रा या फिर एक बॉलर। तो मैं जा रहा हूं बॉलर के साथ, देखें कुशल मेंडिस विकेट कीपर रहेंगे मेरे। 3 बैटर लेके जा रहा हूं मैं, मैक्स दाऊद, प्रथम निशंका और कुशल परेरा। प्रथम निशंका, कुशल परेरा दोनों ने पिछले मैच में 50+ का स्कोर बनाया। कुशल परेरा का फॉर्म जरूर थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि जब वो चलते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा जाता है, तो इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ कुशल परेरा। टच काइंड ऑफ प्लेयर, कि एक फॉर्म, एक अच्छी पारी आई है, कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हुआ होगा, नेदरलैंड जैसा ओपोनेंट है तो हो सकता है एक अच्छी पारी यहाँ भी आ जाए। मैक्सो दाऊ एक और बैटर, हालांकि विक्रमजीत सिंह है यहाँ पे, यहाँ पे साइबरन एंजल एंजलबर्ग हैं और भी कई सारे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सो दाऊ बढ़िया चॉइस है। क्योंकि अगर पिछले कुछ टाइम का रिसेंट परफॉर्मेंस देखो, गेम कवर तो विक्रमजीत से ज्यादा मिलता है, लेकिन मैक्सो दाऊ थोड़े फॉर्म में आते लग रहे हैं। पहले मैच में विक्रम ने जरूर 50+ की पारी खेली, लेकिन अभी जैसे टूर्नामेंट बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि विक्रम का फॉर्म ऐसे जा रहा है और मैक्सो दाऊ धीरे धीरे लय में आ रहे हैं। तो मैक्सो दाऊ, 3 ऑलराउंडर, दुनित वेलल आगे, बास दिलीद और कॉलिन अकरमन, दिलीद हमारे कैप्टन होंगे एनी हाउ, और नीचे 4 बॉलर, वांडेर मरवा, पॉल वन मीकरन, लोवन वान वीक
और दिलशान मधुसांग। सिर्फ दो गेंदबाज श्रीलंका से लेके जा रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा श्रीलंका की बॉलिंग में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं लग रहा है जो विकेट लेके दे दे। कुमारा को नहीं मिल रहे, तीक्षणा को नहीं मिल रहे, पथिराना बाहर बैठे हैं, चमिका को नहीं मिल रहे, धनंजय डिसिल्वा को नहीं मिल रहे। तो जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है विकेट टेकिंग ऑप्शंस के साथ ही जा रहा हूं। नेदरलैंड भले ही एक ही मैच साउथ अफ्रीका से जीती है, लेकिन बॉलर्स इनके चल रहे हैं, बैटिंग की वजह से आ रहे हैं वो। तो यहाँ पे फिर ये हो गया, ये स्मॉल लीग टीम होगी। ग्रैंड लीग की तरफ जाते हैं, अभी ग्रैंड लीग की तरफ जब जाएंगे तो देखते हैं। यहाँ पर तीन विकेट कीपिंग चॉइस लेके जा रहा हूँ मैं सदीरा समर विक्रमा भी लेके जा रहा हूँ, और मैं स्कॉट एडवर्ड भी लेके जा रहा हूँ, और मैंने क्या करा, मैक्स दाऊद और कुशल परेरा, जो थोड़ी अनसर्टेन पिक थी हमारी बैटिंग में, उनको मैंने हटा दिया और थोड़े से ज्यादा सॉलिड ऑप्शंस की तरफ गया हूँ। ऑलराउंडर हमारे यहाँ पे वेलालगे की जगह करुणा रत्ने को लाया हूँ, क्योंकि करुणा रत्ने बल्ले से मुझे ज्यादा सक्षम लगते हैं वेलाला की कंपेरिजन में। और अगर पिच पे टर्न नहीं हुआ और श्रीलंका की पहली बॉलिंग हुई, तो करुणा रत्ने डेथ में भी बॉलिंग करने की क्षमता रखते हैं, तो इसलिए भी करुणा रत्ने यहाँ पे गुड चॉइस हो सकते हैं। चार बॉलर हैं, तीक्षणा को लाया हूँ मैं यहाँ पे किसकी जगह, रेलो वांडेर मरवा की जगह, और बाकी वीक मेकरन मधुसांका ऐसे ही रहेंगे। मधुसांका वाइस कैप्टन, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में आपको याद होगा कितने शानदार तीन विकेट लिए थे इन्होंने, और हमारा तो क्लीन स्वीप मधुसांका के दम पे हुआ था। तो भाई साहब इनका एहसान तो भूलना नहीं, ठीक है ना। बाकी ये होगी आपकी ग्रैंड लीग टीम। अब चलते हैं मैच नंबर टू पे। मैच नंबर टू किसके बीच है, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच। अब इस मैच के बारे में आपको कुछ भी बताऊं, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए ना, ओपिनियन दे के भी आप जीत सकते हैं। मतलब ये है कि यार, क्वेश्चंस आपकी डिस्प्ले पर रिफ्लेक्ट होंगे, उस पर यस नो आपको करना है और पैसा कमा सकते हैं। मैं रियल 11 पे खेल रहा हूँ, आप भी खेल सकते हैं और जीत सकते हैं, बहुत शानदार है यार। और मजेदार बात यह है कि ऐसे ऐसे रेट आते हैं ना कि वहां से प्रॉफिट के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका वाले मैच में 1.5 में 10 रुपए मिल रहे थे, कि अब क्या ये मैच नेदरलैंड जीत सकता है। मुझे सेंस हुआ पहला विकेट गिरने के बाद कि जीत सकता है, मैंने बिल्कुल नेदरलैंड पे पिच किया, 75 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 500 रुपए जीता। तो मतलब बहुत फायदा है ओपिनियन खेलने में ना, रेल 11 पे जुड़िएगा और जीतिएगा मेरे साथ। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और हाँ, ये दोनों मैचेस की जो अपडेटेड टीम आपको मिलेंगी वो टेलीग्राम पे मिलेंगी, तो टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ जाना, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, या फिर सीधे टेलीग्राम पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो @MohitCricketologist, क्रिकेटोलॉजी के नाम से चैनल आएगा, उसको सर्च करके ढूंढ लेना। हाँ, तो अब चलते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या है। जॉनी बेयरिस्टो तो है उनके साथ, मलान रूट रूक, कहने का मतलब ये जो पिछली प्लेइंग 11 थी उसमें कोई बदलाव होगा क्या? दो चीजें हैं, पहला तो ये कि भाई क्या बेन स्टोक्स फिट हो गए हैं, पिछले मैच से पहले लगातार खेल लेंगे लेकिन नहीं खेले, अब इस मैच में खेल सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। देखो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का, ये मैच जो टीम जीतेगी उसके सेमीफाइनल के चांसेस प्रबल बनेंगे, क्योंकि जिस टीम को सेमीफाइनल जाना है उसको कम से कम दो मजबूत टीमों को हराना है। तो वो है, इंग्लैंड हार चुका है, किससे हार चुका है, अफगानिस्तान से। इंग्लैंड हार चुका है किससे, न्यूजीलैंड से। तो इंग्लैंड के लिए तो बहुत क्रूशियल है मैच साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड से हार गया है, तो वो एक चीजें हैं कि दोनों टीमें चाहेंगी यार जीते, हम जीते अपना पिछला पिछला मैच, दोनों मिन्नोस से हार के आ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है ना। तो ऐसे में क्या बेन स्टोक्स आ सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। उसके अलावा बॉलिंग में कुछ है ही नहीं, मतलब जो जितने प्लेयर बैठे हैं ना, या जितने हैं यही हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आपके पास। आप क्या कर सकते हो, डेविड विलियम को मौका दे सकते हो आप क्रिस वोक्स की जगह, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मोइन अली को आप वापस ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे वो भी एक बात है। खैर, अगर साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 की बात करूं, तो इसको मैं लेके 100% कह सकता हूं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत पेस को, स्पिन को कुछ दिखा वानखेड़े में, तो कोइट जी की जगह तबरेज़ शम्सी आ सकते हैं, पर फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कोई बदलाव साउथ अफ्रीका नहीं करेगा। फैंटेसी की तरफ जाएं, और फैंटेसी में बात करें अगर हम स्मॉल लीग टीम की, तो बड़ा सरदर्द है यहाँ कि कैसे बनाएं, क्योंकि चॉइसेस बहुत ज्यादा है, स्पेशली विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में तो बहुत ज्यादा सरदर्द है, क्योंकि वहां आपके पास चार ऑप्शन है, डिकॉक, बटलर, क्लासन और बेरिस्टो। जिसको छोड़ दो उसको ही छोड़ दे, डर लगता है कि क्यों छोड़ें, कोई छोड़ने का रीजन ही नहीं है, ना पिक करने का रीजन है ना छोड़ने का रीजन है। तो डिकॉक वाइस कैप्टन है मेरे स्मॉल लीग टीम के, बटलर को मैंने लिया है, क्योंकि नई बॉल से बेयरिस्टो थोड़े परेशान रहेंगे तो वो आउट हो सकते हैं। और साउथ अफ्रीका में क्लासन जहां बैटिंग करने आ रहे हैं 5-6 पे, कितनी बैटिंग आई आएगी कैन नॉट से। तो डिकॉक को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, फॉर्म अच्छी चल रही है, बटलर ले लिया। तीन बैटर रूट और मलान के साथ, वांडर डजन और कैप्टन मेरे हो गए जो रूट, क्योंकि बॉलिंग भी कर रहे हैं भाई साहब, दूसरे स्पिनर की पूर्ति लियाम लिविंगस्टोन और जो रूट दोनों मिलके कर रहे हैं, पिछले मैच में तो दो विकेट ले गए थे, तो कैप्टन रूट हो गए। दो ऑलराउंडर, हालांकि मार्करम
बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं किए। क्या यहाँ कर सकते हैं, अगर कोहली जी खिलाते हैं थोड़े स्पिन हुई तो मार्करम आ सकते हैं, वरना बैटिंग से फॉर्म अच्छा चल रहा है तो सेफ पिक है। फिर मार्को यंसन बढ़िया ऑलराउंडर है और अच्छी पिक है, तो ये हो गए चार बॉलर यहाँ पे, कगिसो रबाड़ा और गेराल्ड कोहली जी। यहाँ पे कोहली जी पे मैंने थोड़ा रिस्क लिया कि लोग एंगिडी और महाराज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, मैं कोहली जी की तरफ जा रहा हूँ। टॉपली और आदिल रशीद के रूप में मैंने दो बॉलर इंग्लैंड से लिए हैं, इस तरीके से आपकी स्मॉल लीग की टीम बन गई। अब जब मैं इसका ग्रैंड लीग वर्जन बनाता हूँ तो मैंने चीजों को ऑल्टरनेट करना शुरू किया, जैसे वहां डिकॉक और बटलर थे, या बेरिस्टो और क्लासन को लिया और बेरिस्टो को वाइस कैप्टन बनाया कि अगर शुरू में विकेट नहीं गिरे और चल गया बंदा तो मारता बहुत है। तो बेरिस्टो वाइस कैप्टन, क्लासन, उसके बाद तीन बैटर यहाँ पे वांडर डिजन जो रूट के साथ, यहाँ पे मैंने लिया डेविड मिलर को। मिलर इज इन गुड फॉर्म, गेम कवर अनसर्टेन है। अब चूंकि ग्रैंड लीग टीम बना रहे हैं तो यहाँ इतना रिस्क हम अफोर्ड कर सकते हैं। सेफ जाना चाहते हो तो आप मिलर की जगह बटलर ले सकते हो, ऊपर डिकॉक ले सकते हो, मार्करम ले सकते हो ऑलराउंडर कैटेगरी में, या फिर एक बॉलर ले सकते हो। लेकिन मैंने रिस्क लिया, लियाम लिविंगस्टोन सेकंड स्पिन की फिलिंग भूमिका भी निभा रहे हैं और उसके साथ 6 नंबर पे बैटिंग भी कर रहे हैं, हालांकि अभी बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन चूंकि साउथ अफ्रीका के पास बहुत क्रांतिकारी स्पिनर नहीं है और मुझे लग रहा है तवरेज नहीं आएंगे, तो फिर लियाम लिविंगस्टोन के थोड़े रन बन सकते हैं, इसलिए इनको लिया। मार्को यानसन को बनाया कैप्टन, क्योंकि अर्ली झटका अगर कोई दे सकता है तो मार्को यानसन दे सकते हैं, और फिर डेथ में भी आजकल बॉलिंग करते हैं, प्लस बल्ले से रन बनाने में सक्षम है, तो 360 डिग्री प्लेयर है आपका। चार बॉलर, मार्क वुड को लाया ऋषि टॉपली की जगह और एंगिडी को लाया गेराल्ड कोहली जी की जगह, तो थोड़े से ऑल्टरनेट ऑप्शंस किए हैं, बाकी टीम वही। तो इस तरीके से ये बनी आपकी इस मैच की ग्रैंड लीग टीम। इस वीडियो में मैंने दोनों टीमों का, दोनों मैचों को आज के प्रीव्यू कर दिया है, देखिएगा जीतेगा और आराम से कमाइएगा मेरे साथ विजन 11 पे, रियल 11 पे। इसके अलावा जुड़ जाइएगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और थ्रेड पे भी मेरे साथ, व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल इजाजत, कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय माता दी।